ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। है तो ये दूसरे धर्म की ना। देखा अबू, देखा आपने दुआ, अपनी मामी को तो आपके अब्बू कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि वो उनकी सगी हैं। लेकिन हमें तो वो पराया मानते हैं, इसीलिए बात बात पर हम पर तोहमतें लगाते रहते हैं। और सिर्फ वही नहीं, उनके सभी घर वाले हमें नहीं अपनाएंगे कभी। हम लोगों की गलती क्या है बेटा? बस यही ना कि हमारा मजहब अलग है। बेटा ये लोग हम लोगों को कभी नहीं प्यार करेंगे। अब्बू आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे? दुआ, ये सवाल पूछने की तुम्हें जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब्बू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मामी, दोबारा अगर मेरी बच्ची से धर्म को लेकर कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जुर्रत करना नहीं आप। बस इतना ही? मुझे तो घर से निकलने के लिए कह रहे थे आप दुआ के अब्बू, इनसे भी कहिए। ए धारी देवी देख पीछे ही, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था तो इन पराए लोगों की बातों में आकर सगों पर उंगली उठाएगा, सगों पर। सच्ची का है किसी ने कि जो आदमी लुगाई का दामन पकड़ लेता है ना वो सगों का दामन छोड़ देता है। तू और सती छोटे छोटे से थे ना, मैंने तुम दोनों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। चल ठीक है, इससे पहले कि तू इन लोगों की बातों में आकर मुझे धक्के मारकर निकाल दे, मैं खुद ही चली जाती हूँ ये घर छोड़कर। मुझे नहीं यहाँ रहना है, मैं जा रही हूँ। लेकिन माँ, अरे ये क्या पागलपन है? नील भैजी ने आपको कब यहाँ से जाने के लिए बोला? अच्छा तो मैं इंतजार करूँ कि ये मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। पीछे हो, मुझे जाने दे, मैं जा रही हूँ घर छोड़कर। चलो एक बला से तो जान छूटी, अब मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक एक एक करके तुम्हारे सारे ससुराल वालों को रास्ते पे ना ले आऊं। सामान बांधने में समधन जी की मदद कर देती हूँ। अम्मी, दादी अम्मा चली जाएंगी क्या? मेरे सारे फ्रेंड्स के घर में अम्मी अब्बू, नाना नानी, दादा दादी, चाची चाचू सब है। मुझे भी नानी और दादी चाहिए। सालों से इस घर में नौकरों की तरह काम कर रहे हो, लेकिन किसी को कोई कदर नहीं है मेरी। नवेली के बाबा भी छोड़ के मुझे चले गए। एक एक करके सारे अपने छोड़ के चले जाएंगे। फिर शौक से रहना ये दूसरे धर्म वाले के साथ। जितना करो इस घर में कम ही है। सारा सामान पैक कर लिया ना? मैं वैसे भी इस कमरे में शिफ्ट होने का सोच ही रही थी। भगवान के लिए आप चुप रहिए। मामी आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। चोड़ल को इनकी तो आदत है जले पर नमक छिड़कने की। आप इनकी बातें अनसुनी क्यों नहीं कर देती है? अरे थाली तो थाली, अब चमची भी शोर करने लग गई है। मामी, मामी, माँ प्लीज रुक जाओ। माँ मत करो ये सब। नहीं नवेली, छोड़ मुझे माँ, प्लीज ये सब मत करो। माँ चल, माशाल्लाह मिसेस बेग।
मान गई मैं आपको, आप जो कहती हैं वो आप करके दिखाती हैं। अब देखिए ना, आपने कल ही तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे मामी के तानों से छुटकारा दिलाएंगी, और आज तो आपसे डरकर भाग गई। वैसे मैं तो मामी को काफी स्ट्रॉन्ग समझती थी कि वही आपको टक्कर दे सकती है, लेकिन वो तो आपसे डरकर भाग गई। म्यार बे, तो ये तुम दोनों माँ बेटी की चाल थी मुझे इस घर से बाहर निकालने की? ये कल की आई हुई मुमताज महल मुझे क्या इस घर से बाहर निकालेगी? अब कोई मुझे हिला के दिखाए इस घर से। ये मांस मच्छी खाने वाले को भी मैं दिखाती हूँ कि गांव के असली घी की ताकत क्या होती है। हाँ, बड़ी आई हाँ, मुंह उठा के चली आई मेरे कमरे में कब्जा करने। अरे अरे, क्या कर रही हैं आप? उसमें मेरे महंगे इत्र की बोतलें हैं, जरा संभल के टूट जाएंगी। हे, मुझे पता है कि इत्र की बोतलें इतनी सी होती हैं। मेरा बस चले तो मैं शीशे की बड़ी वाली बर्नी ला के तेरे सर पे फोड़ दूं। ओ, छोटी वाली चुड़ैल, हाथ लगा के तो दिखाइए। हे, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझे छू के अपने धर्म भ्रष्ट करने का। चाहत, मैं समझ ही नहीं पाई कि तुम कब गजारा जी के साइड हो गई, पर मुझे अब समझ आ रहा है कि कैसे रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करके माँ को रोक लिया। लेकिन चाहत, मुश्किलें कम नहीं हुई है। अब मुझे नहीं लगता कि माँ तुम्हें यहाँ चैन से रहने देगी। कोई बात नहीं नवेली, नफरत ही सहनी पड़ेगी ना, सह लूंगी। कम से कम अपने बच्चों को पूरी हैप्पी फैमिली तो दे पाऊंगी। तुम सिर्फ शराब ही पीते रहते हो, उन दोनों का ध्यान भी रखते हो? नील और चाहत किसी भी कीमत में एक दूसरे के करीब नहीं आने चाहिए। साले, उठ, उठ, उठ। बेवकूफ समझाए मुझे, ये बीसी के पैसे से तू शराब पी रहा था, मुझे समझ में नहीं आएगा। अबे खाली खोपड़ी, क्या बोला था मैंने? आते ही मुझ पे इल्जाम लगाएगा। अरे मुझे नहीं पता बीसी के पैसे कहाँ गए यार, इसी दुख में तो दारू पी रहा हूँ। विस्की की कसम। अरे यार, अरे तो वो पैसे गए कहाँ? कहाँ गए पैसे? क्या ये? तुम दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ नहीं बनाना। ये तिलक देख रहे हो, ये हमारे घर का तिलक है। कहां से आए ये पैसे बताओ? और हम इतने बेवकूफ हैं कि पैसे ऐसे सामने रख देंगे? ये सारे नोट मैं सुबह दिल्ली से लेकर आया हूं। वो चार ने अचानक से वो दिल्ली वाला घर और वो बुड्ढो का सेंटर भेज दिया है। वापस सामान लेने गया था मैं अपना, सेंटर के ऑफिस में पड़े हुए थे वो पैसे, और वो वार्ड बॉय ने मुझे बताया वो बुड्ढो की शिफ्टिंग के लिए नील ने भेजे पैसे। अच्छा, इसका मतलब नीलकंठ और चाहत एक साथ काम कर रहे हैं।
आना जरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसे कैसे पैसे ले जा सकते हैं 20 के? अभी डेस्टिट्यूट सेंटर में फोन करके पैसे लेता हूँ वापस हमसे। फोन कहाँ है? साहिल के फोन में होगा नंबर उसका। हेलो, वीडियो कॉल लग गया। वीडियो कॉल अपना ही चेहरा क्यों दिखाई दे रहा है? कपड़े बस लगे, ज्यादा चढ़ गई क्या मेरे को? आलेख, अरे साहिल, ये देख यार, उधर भी मैं ही हूं। अरे इधर देख, कौन है? अरे आलेख, साहिल देखो, ये कौन दिख रहा है मेरे जैसा? ये देखो। अरे आराम से, क्या कर रहा है? अरे माधवानंद बोल दे। कौन? माधवानंद, बिल्कुल मेरे जैसा हैंडसम, बोल के देखा मैंने। सोरा जी जिंदा कैसे हो सकते हैं? ए पागल, बंदे फोन क्या बकवास कर रहा है? अरे मैं बोल रहा हूँ आदमी था यार। चुप साहिल, उस नंबर पे फोन लगाओ। कैसे मिलाऊं? शराबी ने गिरा के खराब कर दिया फोन। झूठ बोल रहा है शराबी। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? माधवानंद जिंदा है। अरे चुप करो तुम, नाटक कर करके सही मिल जाए मरोगे क्या? तुम्हें मर चुका है वो। मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हो ना? मरोगे तुम दोनों। उस दिन नीलकंठ भी कह रहा था कि सोराजी का फोन आया था, इसका मतलब वो फोन इस शराबी ने नहीं किया था। और अचानक चाहत का गायब होकर फिर नील की जिंदगी में वापस आ जाना कुछ तो अजीब है। अगर ये शराबी सच बोल रहा हो तो मेरे सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नहीं, मैं स्वराजी को किसी भी हाल में यहां तक पहुंचने नहीं दे सकता। मुझे दिल्ली जाना होगा, डिस्टिट्यूट सेंटर। प्रार्थना करना तो इतनी अच्छी बात है, फिर जब मैं दुआ की तरह प्रार्थना कर रहा था तो अम्मा को इतना गुस्सा क्यों आ गया? हाँ अब्बू, नानी जान भी कहती रहती हैं कि हम दोनों का मजहब अलग अलग है। बताइए ना अब्बू, ये धर्म और ये मजहब क्या है सब? देखो बेटा, ये बच्चों को समझाने की चीज नहीं है, आप छोड़ो इन सब चीजों को। लेकिन नानी जान और दादी अम्मा
मजहब की वजह से लड़ती क्यों रहती है? हाँ लेकिन मैं बताती हूँ बच्चों, चाहत चाहत हम दोनों ने डिस्कस किया था ना कि बच्चों के सामने धर्म या मजहब का डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन नील, जिससे पहले मिसेस बेग या मामी बच्चों के मन में मजहब को लेकर उल्टी पट्टी पढ़ा दे, हमें बच्चों को समझाना तो होगा ना। इधर आओ बच्चों, मैं तुम्हें बताती हूँ। इधर आओ बैठो, चलो बताओ इसकी खुशबू कैसी आ रही है तुम दोनों को? गुलाब की खुशबू तो मुझे बहुत पसंद है, और मुझे भी गुलाब का सुगंध बहुत पसंद है। वेरी गुड, चलो अब ये टेस्ट करके बताओ। कितनी मीठी है। क्या अम्मी, मिठाई तो मीठी होती है ना। तो वैसे ही जब तुम दोनों को फूल की खुशबू एक जैसी आती है, मिठाई का टेस्ट भी एक जैसा लग रहा है, तो तुम दोनों अलग कैसे हुए? नहीं ना, हाँ बस बोली अलग है, इबादत करने का तरीका भी अलग है, लेकिन इसे ये बात साबित नहीं होती कि तुम दोनों अलग अलग हो। तुम दोनों एक जैसे हो। जो लोग मजहब के नाम पे लड़ते हैं ना बेटा, वो लोग नासमझ होते हैं। हम मुसलमान हो या फिर हिंदू हो, हर मजहब हमें सीख सेम टू सेम देता है। वो है सच बोलो, लोगों की मदद करो, और ये सब कुछ है इंसानियत। इंसानियत? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू और मेरा मजहब भी अलग अलग है, लेकिन इंसानियत, इंसानियत वो डोर है जिसने आपके अब्बू को और मुझको जोड़ कर रखा है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे अब्बू और मैंने इंसानियत को ही अपना मजहब मान लिया है। तो माँ, इंसानियत को हम अपना धर्म बना सकते हैं ना? फिर दुआ और मैं एक ही धर्म के हो जाएंगे ना? बिल्कुल मान सकते हैं। नवेली बुआ और भोपू चाचू को कह देते हैं कि हमारा एक नया धर्म है इंसानियत। चलो चलो जाओ। भोजनालय का बोर्ड, ओहो रेस्टोरेंट कौना रेस्टो रास्ता छोड़ो। अच्छा बाबा, भोजनालय का नाम क्या है? कुछ खास है। कुछ खास? कुछ खास भोजनालय? अरे बुद्धू, अब्बू के कहने का मतलब है कि नाम खास है।
अबू हम क्यों? मेरे घर का नाम था बेग मंजिल, जिस घर में बाबा रहते हैं उसका नाम ध्यानी निवास है। करेक्ट। हमारे घर का भी तो कोई नाम होना चाहिए ना। हम इस एक नाम में ना हमारा प्यार भी है और हम लोगों का धर्म भी, हिंदू का हा, मुसलमान का मा।